और सीधा आपको हमीरपुर लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। श्रीमती मनीषान रागी जी, श्री मनोज प्रजापति जी, विधान परिषद सदस्य श्री अविनाश सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री गंगा चरण राजपूत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री देवेश कोरो जी, जिला प्रभारी श्री संजीव सिंह ऋषि जी, जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष हमीरपुर सुनील पाठक जी, लोकसभा प्रभारी श्री संजय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आला उदल और वीर चंदेलों की इस शौर्य भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी महोबा वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मेरे लिए तो महोबा की भूमि ऐसे लगती है जैसे हमारी अपनी भूमि हो, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने एक लंबे समय तक यहीं के गोरखगिरी में तपस्या की थी और आला उदल को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार गोरखगिरी के पर्यटन विकास की संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहन और भाइयों, जब भी मैं बुंदेलखंड आता हूं, मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, यहां नदी है, यहां नाले हैं, यहां खनन है, यहां पर्यटन की संभावनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किए थे, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत, लेकिन यहां की जनता के साथ यहां के विकास को अवरुद्ध करके यहां की जनता का उन्होंने शोषण किया है, उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। और बहनों और भाइयों, महोबा के बारे में तो कहना ही क्या है, महोबा के बारे में कहा जाता है महोबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। और बहन और भाइयों, मैं नहीं समझ पाया कि आखिर आपने यहां पर पाप करने वाले, यहां के संसाधनों पर लूट मचाने वाले, यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और यहां की बेटी और यहां की व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर अपनी वोट की मार क्यों नहीं दी, यही तो मैं कहने के लिए आज आपके पास फिर से आया हूं। यद्यपि 2014 में आपने निर्णय लिया, मोदी जी को अपना समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और देश के अंदर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, और जब मैं बुंदेलखंड के अपने पहले दौरे पर आया था, मेरे साथ हमारे जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे, और तब यही पुष्पेंद्र चंदेल मुझे मिले थे, तब यही राकेश गोस्वामी मुझे मिले थे, यही गंगाचरण राजपूत मुझे मिले थे, यही रामकेश निषाद हमारा जिलाध्यक्ष था, और यही सब लोग उस समय मुझे कहे थे कि बुंदेलखंड के लिए कुछ होगा। हमने कहा बुंदेलखंड के लिए वह करूंगा जो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। और बहन और भाइयों,
आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को देखते हुए चलते हुए देखता हूं, फर्राटे से गाड़ियां यहां पर फर्राटा मरती है, तो मुझे लगता है कि हमारा बुंदेलखंड भी अब विकास की ऊंचाइयों पर छूने से कोई रोक नहीं सकता है। बहन और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना लागू होती है, मुझे भी लगता है कि मेरा बुंदेलखंड भी अब प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां के हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और जब बहन और भाइयों बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इसी महोबा में आए थे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने के लिए, अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ, तब मैंने इस बात पर गौरव की अनुभूति की, अब मेरे बुंदेलखंड के खेत भी प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी कीमत बढ़ेगी, बुंदेलखंड में भी लोग खुशहाल हो पाएंगे, अब पलायन नहीं होगा। और माफिया की तो हम क्या हाल कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आप मुझे बताओ ये जितना काम हम लोगों ने किया है, क्या कोई चेहरा देखकर किया गया, कोई गांव देखकर के किया गया, कोई क्षेत्र देखकर के किया गया? अरे तो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, और मोदी जी ने मुझे कहा था कि जब आप की मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दौरा करेंगे, सबसे पहला दौरा बुंदेलखंड का।